पत्तियां जो होती हैं विशिष्ट कार्य करने के लिए अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाती हैं। इसी को पर्ण का रूपांतरण कहा जाता है। और कौन कौन से रूपों को वो धारण करती हैं, किन किन संरचनाओं में वो बदल जाती हैं, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। इन मैनी प्लांट्स लीव्स बिकम मोडिफाइड इन मैनी प्लांट्स लीव्स बिकम मोडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। दीज मोडिफिकेशंस आर एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट है लीफ टेंड्रिल। पर्ण प्रतान, कुछ पादपों के जो तने होते हैं इतने ज्यादा कमजोर होते हैं कि वो बिना किसी सहारे के ऊपर नहीं चढ़ सकते, आरोहण नहीं कर सकते। तो ऐसे तनों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के शीर्ष भाग से या पत्तियों का कोई भी भाग, लंबे पतले धागे के समान कुंडित संरचनाएं छोड़ते हैं या उत्पन्न करते हैं। ये कुंडित संरचनाएं किसी भी आधार से लिपट जाती हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं। ऐसे धागे रूपी कुंडली संरचना को हम प्रतान बोलते हैं, जैसे कि आपने मटर में देखा होगा और जंगली मटर में देखा होगा। फॉर सपोर्टिंग टू द प्लांट्स लीफ अराइजेज लॉन्ग थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बाय इट्स एपिकल पार्ट्स और एनी पार्ट्स ऑफ द लीव्स। These coiled thread-like structure called tendril, which catch the nearest object and climbing above side, it means provide the support to the plant. Example, sweet pea and wild pea. Which catch the near object and coil around the support and help the plant to climb the object. तो आप ऐसे समझ लेंगे इसको, ऐसे कि ये है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, टेंड्रिल। ये क्या है अपना, टेंड्रिल होता है। सेकंड है लीफ स्पाइन। पर्ण सूल, बहुत से पौधे अपनी आत्मरक्षा के लिए जो पत्तियां होती हैं या तो कांटों में बदल जाती है या कांटे का रूप धारण कर लेती ताकि कोई पशु उनको अपना भोजन ना बना ले। जैसे ग्रेजिंग करते हैं जब पशु तो उनको खा जाते हैं, तो कांटे होंगे तो उन कांटे वाले पादपों को पशु नहीं खाएंगे क्योंकि वो उनके माउथ में चुभेंगे। तो ऐसी पत्तियां जो कांटों में बदल जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, पर्ण सूल। आपने देखा होगा कीकर, कीकर देसी बबूल जिसको बोलते हैं, उसमें पत्तियां कांटों में बदलती हैं, इसलिए वो पत्तियों का रूपांतरण है। फॉर डिफेंस ऑफ प्लांट leaves become modified into sharp pointed spine in some plant for defense plant leaves become modified into sharp pointed spine. Example cactus, aloe vera, cactus और ग्वार पाठा में आपने इस प्रकार से देखा होगा। अब कैक्टस में तो आपने देखा होगा तो ये क्या है अपने लीफ स्पाइन होते हैं। गूदेदार पर्ण फ्लैसी लीव्स,
फ्लैसी लीव। गूदेदार पेड़, कुछ पौधे की पत्तियां भोजन और जल को संचय कर लेती और संचय करने के कारण फूल करके कुछ मोटी और गूदेदार और मांसल हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी पत्तियों में भोजन और जल जो है संचित रहता और गूदेदार मांसल हो जाती हैं, तो हम लोग ऐसी पत्तियों को भोजन बना करके ग्रहण कर लेते हैं। जैसे लहसुन और प्याज की पत्तियां क्या होती हैं, गूदेदार पर्ण होती हैं। इन सम प्लांट स्केली लीव्स बिकम मोडिफाइड एंड बिकम थिक एंड फ्लैसी फॉर स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। इन सम प्लांट्स लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैसी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। दीज लीव्स आर यूज्ड एज फूड गार्लिक एंड अनियन। तो ये क्या है, अपनी फ्लैसी लीव्स होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है अपना नंबर फोर्थ। फोर्थ पर आप देखेंगे प्रणाम व्रंत फाइलोड। प्रणाम व्रंत ऑस्ट्रेलियन बबूल, ये है देसी कीकर। इसकी पत्तियां अल्पायु होती हैं, कम समय के लिए आती है और शीघ्र ही झड़ जाती हैं। तो उनके स्थान पर जो पत्तियों के नीचे जो पर्ण व्रंत होता है वो ऐसा फैल जाता है और फैल करके चपटा हो जाता है और हरा हो जाता है। और जब हरा हो जाता है तो जो कार्य पत्तियां करती है वही कार्य पर्ण व्रंत के द्वारा किया जाता है। हरे का मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन बना देती है। तो ऐसी पत्तियों को क्या बोलते हैं, पर्णाभ व्रंत। पर्ण का व्रंत ही पत्ती के समान हो जाता, पर्णाभ पत्ती के समान हो जाता है। फाइलोड इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड फॉल ऑफ सून, क्योंकि जल्दी झड़ जाती है। देन पेटियोल लीफ स्टाल्क इज कॉल्ड पेटियोल, इट इज द प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ। तो पेटियोल बिकम फ्लैटेंड एंड ग्रीन एंड परफॉर्म ऑल ऑफ द फंक्शंस लाइक लीव्स कॉल्ड फाइलोड। ये एक्चुअल में क्या है, ये फाइलोड है, ये पेटियोल ही होता है। ये लीव्स हो गई और ये क्या हो गया, पेटियोल। फिफ्थ है अपना घट पादप और ब्लैडर वर्ट पिक्चर प्लांट।
कुछ पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, लवणीय क्षेत्रों में उगते हैं, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये पादप कीटों को पकड़ करके खाते हैं यानी उनको मार देते हैं और उनके शरीर से प्रोटीन यानी कि नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। तो ऐसे पादप हैं घट पादप और एक है ब्लैडर वर्म, बहुत सारे हैं। तो घट पादप में जो पर्ण होती है वो पत्ती घड़े का रूप धारण कर लेती है और जो पर्ण शिखाग्र होता है वो उसके ढक्कन का कार्य कर लेते हैं और जो पर्ण ब्रंथ होता है वो लंबा कुंडलित होकर के घड़े को साधे रखता है। तो ये पत्ती विशेष प्रकार का रूपांतरण कर लेती है घड़े के सामने, इसको घट पादप कहा जाता है। उसके तरल में कीट डूब कर मर जाता है। और ब्लैडर वर्ट में जो पत्ती होती है ब्लैडर, दोनों तरफ से गुजिया की बनाने वाली मशीन जो होती है उस प्रकार से ब्लैडर गुब्बारे की तरह वो बन जाती है, उसके अंदर छिद्र होता है, कीट उसके अंदर धस करके मर जाता है। तो कीटों को पकड़ने के लिए भी जो पत्तियां होती है विशेष आकार प्रकार धारण कर लेती है। इन सम इंसेक्टिवोरस प्लांट द लीफ बिकम्स मोडिफाइड इंटू पिक्चर एंड ब्लैडर फॉर ऑब्टेन्ड नाइट्रोजन, इट मीन्स प्रोटीन फ्रॉम इंसेक्ट्स। इन पिक्चर प्लांट लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू पिक्चर, एग्जाम्पल निफेंथिस एंड एक्वेटिक प्लांट यूट्रिकुलारिया लीफ ब्लेड बिकम मॉडिफाइड इनटू ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये ब्लैडर वर्ट का है और ये घट पादप का है। तो ये ऐसे विशिष्ट प्रकार के पौधे हैं कि जो उनकी पत्तियां हैं जो अलग अलग रूपों को धारण कर लेती यानी रूपांतरित हो जाती हैं। तो आकार के आधार पर ही इनका नाम रखा गया है और ये विशिष्ट कार्यों को संपन्न करती हैं, इसीलिए इनको पढ़कर रूपांतरण कहा जाता है। ठीक है ना, हम छोटे छोटे टॉपिक भेज रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।